नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपसे कुछ समय पहले हम लोगों ने अपने ऐप पर एक कोर्स लॉन्च किया था निबंध प्रैक्टिस बैच के नाम से। ये कोर्स दरअसल यूपीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं, चाहे वह समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, या अपर पीसीएस की परीक्षा हो, एपीएस की परीक्षा हो, या फिर कोई भी ऐसी परीक्षा हो जिसमें निबंध एक अनिवार्य विषय के रूप में पूछा जाता है, उस परीक्षा की तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने इस यूनिक अनमैचेबल कोर्स को लॉन्च किया था, जो दरअसल कुछ ही समय में आप लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया, उसको समर्थन दिया भरपूर, जिसकी बदौलत हम लोगों को एडटेक एंटरप्रेन्योर अवार्ड हासिल हो सका, इस एक कोर्स की बदौलत ही। तो आज के इस वीडियो में दरअसल हम लोग ये समझेंगे कि कैसे इस कोर्स में आपकी निबंध की एक बेहतरीन तैयारी कराई जाती है, स्पेशली अगर यूपीपीसीएस की परीक्षाओं को लेकर देखा जाए। यूपीपीएससी यानी लोक सेवा आयोग द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती है जिनमें निबंध पूछा जाता है, उसकी तैयारी के विभिन्न पैटर्न को समझते हुए हम लोग यहां पर किस प्रकार से वीडियोज, पीडीएफ नोट्स, कोटेशंस इत्यादि को देते हुए कैसे आपकी वीकली प्रैक्टिस कराई जाती है, आप लोगों से वो लिखवाया जाता है। यानी केवल ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को मॉडल ऐसे दे दिया जाए जैसा कि बाकी जगह पे होता है कि आप लोगों को एक लिखा लिखाया ऐसे दे दिया गया, आप लोगों से कहा गया कि आप लोग उसे पढ़ डालिए, रट डालिए, वैसा ना करके बल्कि आप लोगों को नोट्स दिए जाते हैं, यानी रेडी मटेरियल दिया जाता है आप लोगों को, एक ऐसा मतलब नोट्स या पॉइंट वाइज सारी चीजें दी जाती हैं कि उससे आप लोग खुद ही अपने वाक्य बनाएं, और कैसे वो चीजें उससे कैसे हम लोग को बनाना है वो भी वीडियोज के माध्यम से समझाया जाता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग विभिन्न उदाहरणों से इसको समझते हुए देखेंगे कि किस प्रकार से ये तैयारी कराई जाती है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जो हमारे ऐप में तमाम वीडियोज हैं उनके माध्यम से। अब चूंकि हमारे ऐप के को वीडियो के माध्यम से यहां पे दर्शा पाना हमारे लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि वैसा एक सिक्योरिटी फीचर है उसमें जिसकी वजह से हम लोग यहां पर उसको बना नहीं सकते हैं, लेकिन ये स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कि दरअसल निबंध का जो बैच है उसमें किस प्रकार से आपकी कक्षाएं होती हैं और कैसे कैसे, उसके बाद फिर हम लोग आगे पीडीएफ भी डिस्कस करेंगे कि पीडीएफ में कैसे कैसे तैयारी कराई जाती है, उसके अंदर का भी देखेंगे कि क्या होता है पीडीएफ में। तो देखिए, सबसे पहले जैसे आपकी क्लास जो शुरू होती है वो होती है निबंध क्या और क्यों से। सबसे बेसिक चीज तो ये समझना जरूरी, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि नहीं जानते, जिन्होंने शायद बचपन के बाद आज तक कभी कोई निबंध नहीं लिखा, तो उनको यही समस्या आती है कि निबंध मतलब क्यों लिखें और क्या उसमें लिखा जाना चाहिए, क्या एक अप्रोच होनी चाहिए, राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए निबंध की। तो उसको समझने के लिए दरअसल निबंध क्या और क्यों, कि निबंध क्यों पूछा जाता है, इसको हम लोग समझते हैं। उसके बाद आकर्षक भाषा जो निबंध के लिए जरूरी रहती है वो दरअसल उन शुरुआती चीजों में है जिसको हम लोग को शुरुआत से ही पकड़कर चलना रहता है। तो इसलिए यहां पर आपको यह भी बताया जाता है कि आकर्षक भाषा में निबंध कैसे लिखें। उसके बाद निबंध लिखें कैसे, इस पर हम लोग दरअसल विभिन्न पॉइंट वाइज इसको समझते हैं कि निबंध लिखने के विभिन्न चरण क्या होते हैं, उसमें किस प्रकार से, अब देखिए भूमिका कैसे लिखें, भूमिका उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, तो भूमिका कैसे लिखी जानी चाहिए। भूमिका लिखने के एक ही दो तरीके नहीं होते बल्कि कई सारे तरीके होते हैं, तो अपने आठवें वीडियो में हम लोगों ने यह समझाया कि भूमिका लिखने के विभिन्न तरीके क्या होते हैं। उसके बाद भूमिका के विभिन्न उदाहरण, मतलब इन तरीकों पर बेस्ड, केवल ये तरीके जान लेना ही थ्योरी के तौर पर वो जरूरी नहीं है बल्कि उसको प्रैक्टिकली भी समझना कि इसके उदाहरण क्या क्या हैं, वो भी हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद देखिए निबंध के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला आप लोगों को आनी चाहिए जो होती है लघुकरण और विस्तारीकरण की कला, मतलब इतने से इतना लिख देना और इतने से इतना लिख देना, ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये निबंध के लिए बहुत ज्यादा उसमें यूज होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहां पर जो मेन बॉडी कैसे लिखें, अब निबंध की भूमिका तो अच्छी होनी चाहिए लेकिन उसके बाद मेन बॉडी कैसे लिखें, उसके क्या क्या चरण होते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपना जाके पहला टॉपिक उठाते हैं जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका है, ये हमारा वीडियो नंबर 13 है। तो 13वें वीडियो में हम लोग अपने पहले इस टॉपिक को उठाते हैं जिसको हम लोग विभिन्न पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं कि इसके अंदर लिखा क्या जाना चाहिए, इसकी भूमिका में क्या लिखा जाना चाहिए, उसको केवल पॉइंट्स के माध्यम से देना, और इसके जो पूरा मतलब हमारा निबंध है, मेन बॉडी है, उसमें क्या क्या चीजें लिखी जानी चाहिए इसको हम लोग समझते हैं। विभिन्न तरीकों से भूमिका के उदाहरण,
तो अब देखिए विभिन्न जो तरीके हैं उसको अब हम लोग इस पे अप्लाई कर देते हैं, यानी जो आपका ये पहला निबंध है इसी को दरअसल हम लोग समझ लेते हैं कि इस पर हम लोग अलग अलग तरीके से कैसे भूमिका लिख सकते हैं। मतलब एक टॉपिक पर 7 से 8 प्रकार की भूमिकाएं लिखने की प्रैक्टिस करना, जो कि आपको क्लास में ही आपके सामने ही लिखवाई जाती है, उसको समझना। उसके बाद देखिए भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या अपना अगला टॉपिक उठा लेना, कृषि समस्याओं की मेन बॉडी में क्या लिखें वो देखिए यहाँ पर डिस्कशन किया गया अपने 18वें वीडियो में। उसके बाद कृषि की समस्याओं के समाधान ये यहाँ पर डिस्कस किया गया, भूमिका लेखन की प्रैक्टिस कराने के लिए कई सारे टॉपिक्स दिए गए। अब देखिए नोट्स में जो आपको नोट्स दिया जाता है, अभी हम लोग आपको आगे नोट्स भी दिखाएंगे कि नोट्स कैसा दिया जाता है, तो जो नोट्स दिया जाता है उसमें जो पॉइंट्स होते हैं उससे हम लोग वाक्य कैसे बनाएं, उसमें प्रवाह कैसे लाएं, ये सभी बातें भी आप लोगों को निबंध के इस प्रैक्टिस बैच में डिस्कस की जाती हैं। निष्कर्ष कैसे लिखें, अब देखिए निष्कर्ष वह बिंदु होता है जहां पर आप लोगों को एग्जामिनर से नंबर मिलते हैं, तो वो जगह पर भी आप लोगों को आकर्षक अपनी प्रस्तुति रखनी है, तो निष्कर्ष किस प्रकार से लिखें, निष्कर्ष की प्रैक्टिस कैसे करें उसका हम लोगों ने मतलब लिख करके और क्लास ही में लिख करके समझा था कि निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद कृषि समस्याएं जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था उस पर निष्कर्ष कैसे लिखें, फिर निष्कर्ष के विभिन्न तरीके क्या होते हैं, उदाहरण क्या होते हैं तो उससे हम लोग देखें। तो इस प्रकार से देखिए फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आए कि साहित्य और समाज का जो निबंध है, साहित्य और समाज पे पूछा जाता है उस पर क्या क्या पॉइंट्स हैं ये सभी चीजें। तो आप देख रहे हैं कि जो निबंध है, निबंध की जितनी भी बेसिक चीजें हैं, जितने से भी उसका फंडामेंटल एक तैयार होता है, चाहे वो भूमिका अच्छी कैसे लिखें, उसके विभिन्न उदाहरण, उसके विभिन्न तरीके, इसको समझना हो, मेन बॉडी को समझना हो या फिर निष्कर्ष को समझना हो, इन सभी की एक विस्तारित तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। आप देख सकते हैं साहित्य और समाज में विषय प्रवेश कि क्या है ये दरअसल, इसको समझना, फिर उसके साहित्य और समाज मेन बॉडी पहला, मेन बॉडी दूसरा, कि इसमें दरअसल लिखेंगे क्या, अभी हम लोग पीडीएफ के माध्यम से इसको समझेंगे कि क्या है इसमें। अब देखिए ये यहाँ पे इतनी सारी आप लोगों को पीडीएफ भी दी जाती हैं, अब पीडीएफ जो दी गई है उसमें भी इसी प्रकार से है, जो भी निबंध कैसे लिखें इसको आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दिया गया है, मतलब आपको कुछ भी नोट नहीं करना है बल्कि सारी चीजें यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स के रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं। कृषि उद्धरण और कविताएं जो आपको कोटेशन वगैरह हैं वो भी आपको तैयार मात्रा में दी जा रही हैं, कृषि की भूमिका विभिन्न तरीकों से जो भूमिका लिखने की प्रैक्टिस है, निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष के विभिन्न उदाहरण, साहित्य और समाज, तो ऐसे करके आपको अलग अलग प्रकार के ये दिए जाते हैं। यहाँ पर किस प्रकार के दिए जाते हैं देखिए आगे हम लोग समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए भारतीय कृषि की समस्याएं हैं, अब भारतीय कृषि की समस्याओं में पहले तो भूमिकाएं हैं, अब भूमिका ही हमें अगर डिस्कस करनी है तो देखिए पहले एक प्रकार की भूमिका ये हो गई, टाइप 2 ये हो गया, ठीक है, फिर टाइप 3 हो गया, ये टाइप 4 हो गया, 4 प्रकार की भूमिकाएं ये हो गई, ये 5वें प्रकार की भूमिका हो गई, ऐसे करके आपको विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं यहां पर दरअसल क्लास में ही लिखने की प्रैक्टिस कराई जाती है। उसके बाद देखिए कि भारतीय कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं, जैसे मान लीजिए ये एक टॉपिक आपका निबंध में पूछा जाता है, अब इसको लेकर के भूमिका में आपको क्या लिखना है उसको देखिए पॉइंट वाइज दे दिया गया, समस्याएं जो चुनौतियां हैं उसमें क्या लिखना है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें देखिए पॉइंट वाइज आपको उपलब्ध करा दिया गया। अब समस्याओं के बाद फिर समाधान, ये सब समस्याएं हैं, समाधान के प्रयास क्या होने चाहिए वो सब यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को तैयार मात्रा में दी जाती है, लेकिन यहाँ पर केवल पॉइंट वाइज दिया जाता है ताकि आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल ये जो पेज है इसको बस प्रिंट आउट निकाल के या फिर अपनी कॉपी में अपने हैंड रिटन नोट्स के रूप में लिख करके उसको बार बार दोहराना है, रिवाइज करना है। इसके साथ ही साथ एक वीडियो जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि उसमें यह बताया गया कि इन नोट्स से अपने वाक्य कैसे बनाएं, उनमें प्रवाह कैसे लाएं, तो ये भी बताया जाता है कि इन नोट्स को दरअसल क्लास ही में आपसे ये डिस्कस किया जाता है कि ये नोट्स से हम लोग अपने निबंध के वाक्य कैसे बनाएं, कैसे हम लोग उससे जो है अच्छा से एक मतलब निबंध तैयार कर सकते हैं, ये सब कराते हुए आपको फिर मॉडल ऐसे देना। उसके बाद आप लोगों को समय समय पर टारगेट देते रहना कि आप अभी आप इस बार आप ये लिखेंगे, अगली बार आप ये लिखेंगे, ऐसे करके आप लोगों से लिखने की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। अब इसमें आइडियली हम लोग को ये चीज करानी है हफ्ते में एक बार का हम लोग कहें, लेकिन अक्सर ये उससे ज्यादा ही हो जाता है क्योंकि हम लोग
मतलब ये एक बार से ज्यादा ही हो जाता है हफ्ते में, क्योंकि जैसी जैसी डिमांड रहती है हमारे सब्जेक्ट की उस हिसाब से हम लोग इसको प्रिपेयर कराते हैं। इसको फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को सबमिट करना रहता है। चलिए अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूं किस प्रकार से आप लोग सबमिट करते हैं। तो देखिए जो भी लोग इससे जुड़े हैं, अब ये एक डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, एनपीवी डिस्कशन ग्रुप, यानी निबंध प्रैक्टिस बैच का डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है। इसी प्रकार से एक निबंध प्रैक्टिस बैच का, अब यही ये देखिए डिस्कशन ग्रुप में अगर हम लोग अंदर जाते हैं तो लोग इस प्रकार से अपने अपने निबंध वो सबमिट करते रहते हैं, ठीक है, या फिर कुछ और महत्वपूर्ण डिस्कशन है वो भी वो लोग वहीं पर डिस्कस करते रहते हैं। ये देखिए सभी लोग अपने अपने निबंध यहां पर दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो निबंध एडमिन ग्रुप है उसमें अगर हम लोग जाएं, चलिए अच्छा ये देखिए एडमिन पोस्ट में अगर हम लोग गए और यहां से अब हम लोग ये देख रहे हैं कि कितना ये फाइल्स में चले गए। ये देखिए जो भी आप लोगों को निबंध चेक होके मिलते हैं वो सब दरअसल यहीं पे मिल जाते हैं, ये जितने भी हैं, ये देखिए 1, 2, 3 ये सब जितने भी लोगों ने निबंध लिखे हैं वो सभी के निबंध यहीं पे चेक होके मिल जाते हैं। उन लोगों को जमा करना रहता है और यहीं पे लिख करके स्कैन करके पीडीएफ बना के भेजना रहता है, वो सारे निबंध यहाँ पर चेक होके उनको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भी वीडियो आती है उसकी भी एक अपडेट यहाँ पे मिल जाती है कि इस ये वीडियो आई है। तो ऐसे करके आप देखेंगे तो एक प्रॉपर आपकी तैयारी जिसमें न केवल ये समझाया जाता है कि निबंध कैसे लिखना चाहिए, उसमें क्या उसके पॉइंट्स लिखने चाहिए, निबंध के अंदर क्या पॉइंट्स लिखने चाहिए और उन पॉइंट्स से निबंध कैसे बना सकते हैं, उसके वाक्य कैसे बना सकते हैं, वाक्यों में प्रवाह कैसे ला सकते हैं, ये सब सिखाया जाता है। बल्कि उसके साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि इसको प्रैक्टिस कैसे की जाए, यानी आप लोग इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। अभी तक जो इसकी फीस थी वो दरअसल 799 रुपीज थी, 799 रुपीज थी, जो कि बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड फीस थी। और अब लेकिन इसकी फीस जो है उसमें जो डिस्काउंट था उसकी मात्रा कम की जा रही है और अब ये आपको 10 दिन का समय दिया जा रहा है। 10 दिन का मतलब 25 मई 2023 से इस बैच की फीस हो जाएगी 999 रुपीज, 999 इसकी फीस हो जाएगी। और 999 में इसके बाद आपको कोई टैक्स नहीं देना रहेगा, कोई भी इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज नहीं देना रहेगा, वो हम लोग खुद से ही बियर करेंगे। आपके पास टोटल 10 दिन का समय है, जो भी लोग इस बैच को लेने के अभी प्लान कर रहे हैं वो इसको ले सकते हैं। मैंने सारे फीचर्स यहाँ पर डिटेल में समझा दिए हैं। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो सीधा इस नंबर पर कॉल कर सकता है, ये देखिए 8576010203, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके या कॉल करके कोई भी इससे रिलेटेड अगर डाउट है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, उसका तुरंत निदान किया जाएगा और आप लोग उस हिसाब से इस बैच को 25 मई के अगर पहले ले लेते हैं तो आपको ये पड़ेगा 200 रुपये सस्ता, यानी 800 रुपये का लगभग, और इसमें इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज जोड़ के ये 820 रुपये का हो जाता है, और वही 10 दिन के बाद आपको ये पड़ेगा 999 रुपये का। तो इस प्रकार से फीस में एक संशोधन किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे थी, अब उसको धीरे मतलब हम लोग अपने डिस्काउंट को कुछ कम कर रहे हैं। बाकी आपको ये सारी चीज़ें सुविधाएं आपको खुद ही समझ रहे होंगे कि ये अपने आप में एक अनमैचेबल कोर्स है, जो दरअसल और कहीं पे भी इस तरह का कोर्स कोई नहीं चलाता है, जहां पर आपकी कॉपीज भी चेक की जा रही हों, आपको वीडियोज के माध्यम से, आपको पीडीएफ नोट्स के माध्यम से सारी चीजें समझाना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि निबंध के लिए सारी चिंताएं आपकी खत्म हो जाएंगी अगर आप इस एक कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।